हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो जन्माष्टमी के लिए आखिर अगस्त का महीना आ ही गया, जन्माष्टमी का महीना आ ही गया और मेरी जो एक्साइटमेंट है वो इस वक्त जो है ना फुल पीक पे होती है। जैसे ही जन्माष्टमी का महीना आ जाता है ना तो ऐसे लगता है एक एक दिन जो है मैं गिनती हूँ कि अब कितने दिन बचे हैं, अब कितने दिन बचे हैं, अब कितना टाइम है तैयारी के लिए, कैसे कैसे तैयारियाँ करनी, किन किन चीज़ों से तैयारियाँ करनी है, वो सब कुछ सामान जो है मैं अपने स्टोर रूम से निकाल के सब समेट के एक जगह करने लगती हूँ कि ये सब चीज़ें इस वक्त हमें या इस बार हमें चाहिए डेकोरेशन में ऐड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डेकोरेशन का बहुत सारा सामान है जिनसे मैं डेकोरेट करती हूँ हर साल। तो हर साल नया सामान लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, छोटा मोटा जो आगे पीछे करना होता है वो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बाकी मेरे पास डेकोरेशन का भरमार सामान रखा हुआ है। तो ये तो रही मेरी बात, आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या क्या आपने सोचा है और किस तरीके से करने वाले हैं, मेरे साथ अपने जन्माष्टमी आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जन्माष्टमी की डेकोरेशन होने वाली है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी नहीं होगी, बहुत अभी टाइम है, हाँ अभी तो नेक्स्ट वीक में मेरा बर्थडे आएगा, उसके बाद मैं जन्माष्टमी की तैयारी करूँगी। सो इस बार लकीली ये हो गया है कि मेरा और मेरे भाई का बर्थडे सेम मंथ में आ गया, नहीं तो थोड़ा सा इनका मेरे भैया का बर्थडे है ना कभी कभी आगे पीछे होता, बट मोस्टली सेम मंथ में ही आता है हम लोगों का बर्थडे। तो ये तो है आज की बात। एक हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई थी, आके तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मैं उनको मैं उनके इस रिक्वेस्ट पे वीडियो जल्दी नहीं बना पाई। तो आज हम लोग जो है बात करते हैं, हालांकि मैं आपको इस वीडियो के बारे में ऑलरेडी एक हिंट अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो उसी वीडियो पे उसी हिंट पे जो है हम आज बात करेंगे। सो हम बात करेंगे अष्ट सखियों के बारे में, अष्ट सखियाँ कौन हैं और राधा रानी की वो कौन है और कान्हा जी की क्यों इतनी प्रिय हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अष्ट सखियाँ जो हैं वो राधा रानी की सखियाँ भी हैं और सेविकाएँ भी हैं। वैसे मेनली वो सेविकाएँ हैं, राधा रानी को अलग अलग तरीके से वो अलग अलग चीज़ों की सेवा देती हैं, क्योंकि ये है कि हमारी प्यारी जी जो हैं वो इतनी कृपालु हैं, इतनी करुणामयी हैं कि अपनी सेविकाओं को भी वो अपनी सखियाँ बोलती हैं, इसीलिए हम अष्ट सखियों के नाम से उन्हें जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जान जाएंगे, क्योंकि हमारी प्यारी जी, हमारी श्री जी बहुत कृपालु हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगी, कान्हा जी को अपनी तरफ जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी भक्ति से या अपनी किसी भी चीज़ से कान्हा जी को पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कान्हा जी जो है ना वो छलियाँ हैं। वो दिखाते तो हैं कि हाँ मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति से, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन है ना वो हमारे हाथ नहीं आते इतनी आसानी से, हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करते जब तक कि उनका मन ना चाहे। लेकिन हमारी प्यारी जी, हमारी श्री जी इतनी कृपालु हैं, इतनी ज़्यादा भावुक हैं वो, कि उनके हाथ, श्री जी के हाथ जब भी आप किसी फोटो में, किसी जो विग्रह होते हैं मंदिरों में, कहीं पे भी आप देखेंगे तो मोस्टली उनके देखा होगा ऐसे दोनों तरफ में हाथ उनके नीचे की ओर होते हैं और ऐसे ऐसे खुले होते हैं। सो ये खुले हाथों का मतलब ये है कि श्री जी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों को खुला छोड़ देती हैं कि जो भी मेरा हाथ थामना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसका हाथ थामूंगी। लेकिन श्री जी ऐसे भी हैं हमारी, जो एक बार इनका हाथ थाम लेता है, जो एक बार इनका आश्रय ले लेता है, इनके नाम का आश्रय ले लेता है, जो एक बार इनका हाथ थाम लेता है, आप छुड़ा लेंगे मगर श्री जी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी, वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पर रखेंगी। सो इसी तरीके से आती है बात हमारी श्री जी की अष्ट सखियों की। तो जो श्री जी को प्रिय है, जो हमारी राधा प्यारी जी को प्रिय है, जो उनके सगे हैं, जो उनके अपने हैं, वो कृष्ण जी के अपने आप ही अपने हैं। तो जो श्री जी की सखियां हैं वो कृष्ण जी के लिए गोपियां हैं, लेकिन वो कृष्ण जी के लिए और श्री जी के लिए, श्री जी मतलब राधा रानी के लिए एक सा उनके लिए सेवा भाव रखती हैं और उन दोनों की एक सी सेवा करती हैं। सो कृष्ण जी की तो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं होती है, मेनली वो श्री जी की सेवा करती हैं, लेकिन बोला जाता है कि अगर श्री जी की कोई सेवा कर रहा है, श्री जी को कोई
किसी तरीके से रिझा रहा है या अपना रहा, हम क्या अपनाएंगे भगवानों को। खैर मतलब जैसे श्री जी का आश्रय कोई ले रहा है, उनका पल्लू पकड़ के सीधे राह पे कोई चढ़ना चाह रहा है, तो श्री जी का जो बन गया वो कान्हा जी का अपने आप ही बन जाता है। सो इसी तरीके से जो श्री जी की अष्ट सखियां हैं वो कान्हा जी के लिए अपने आप ही गोपिकाएं हैं। सो श्री जी की अष्ट सखियां कौन थी और उनके कार्य क्या थे, उस बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं श्री जी की अष्ट सखियों की लाइन और उनकी विशेषताएं। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो अष्ट सखियों के बारे में पूरा ज्ञान मुझे दे पाए। सो ये मैंने गूगल बाबा से ज्ञान खोला हुआ है यहाँ पे, मैं इसमें से पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी और आप ही के साथ साथ मैं भी सीखूंगी। सो सबसे पहले अष्ट सखियों के नाम हम जान लेते हैं, फिर उनकी विशेषताएं हम जानेंगे। सो सबसे पहली सखी जो थी वो श्री ललिता जी, दूसरी श्री विशाखा जी, चंपकलता, चित्रा, तुंगा देवी, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। सो ये उनकी अष्ट सखियों के नाम थे। अब हर सखी की क्या विशेषताएं थी और क्या कार्य थे उनके बारे में हम जानते हैं। सो जो ललिता जी थी, ये सखी सबसे चतुर और प्रिय सखी है। राधा रानी को तरह तरह के खेल खिलाती है, कभी कभी नौका विहार, वन विहार कराती है। यह सखी ठाकुर जी को हर समय बीड़ा पान देती रहती है। ये ऊंचा गांव में रहती हैं। सो श्री जी के लिए ये कार्य क्या करती हैं और हमारे ठाकुर जी के लिए क्या कार्य करती हैं, दोनों मैंने आपको इसमें समझा दिया कि श्री जी को जो है मनोरंजन के हिसाब से जो नए नए खेल होते हैं वो खेल खिलाती हैं, नौका विहार के लिए ले जाती हैं और ठाकुर जी को पान बीड़ा जो है ये खिलाती रहती हैं। फिर आती हैं विशाखा जी, ये गौरांगी रंग की हैं, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाकर हंसाती हैं। यह सखी सुगंधित द्रव्यों से बने चंदन का लेपन करती हैं। इनका गांव कमई है। तो ठाकुर जी को चुटकुले सुना सुना के हंसाती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं और साथ ही में श्री जी और ठाकुर जी की चंदन सेवा जो है ये करती हैं, तरह तरह के सुगंधित चंदनों से इनका लेपन करती हैं और इनको चंदन सेवा देती हैं। तीसरी है चंपकलता, यह सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती है। ये करला गांव में रहती हैं। इनका इनका जो अंग वर्णन है वो पुष्प छटा की तरह है, पुष्प की तरह बिल्कुल है। और ये ठाकुर जी के लिए जो है ये रसोई की सेवा करती हैं, खाना पकाना, भोग लगाना, उनके भोग की सेवा ये करती हैं। फिर है चित्रा सखी, यह सखी राधा रानी की अति मन भावनीय सखी है। ये बरसाने में चिकसौला गांव में रहती हैं। जब ठाकुर जी 4 बजे सोकर उठते हैं तब यह सखी फल, शरबत, मेवा लेकर खड़ी रहती है। सो शाम के जो स्नैक्स की सेवा होती है ठाकुर जी की, ये वो सेवा करती हैं। सो अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो सखियाँ हैं ये ठाकुर जी को क्या सेवा देती हैं, और उनके बाद साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यही सखियाँ राधा रानी को क्या सेवा देती हैं। फिर है तुंगा देवी, यह सखी चंदन की लकड़ी के साथ कपूर हो ऐसे महक, चंदन की लकड़ी के साथ कपूर हो इस तरीके की उनसे महक आती है। यह युगल वर के दरबार में नृत्य गायन करती हैं। ये वीणा बजाने में चतुर हैं और गौरा माँ पार्वती का अवतार हैं। इनका गांव ढबाल है। सो नृत्य और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, नृत्य कला और साथ ही में गाने की जो कला है उसमें ये पारंगत हैं। इस तरीके से ये ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का जो है सेवा करती हैं। इंदुलेखा जी, ये सखी अत्यंत सूझबूझ वाली है। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये किसी की भी
हस्तरेखा को देखकर बता सकती हैं कि उसका क्या भविष्य है। ये प्रेम कहानियां सुनाती हैं। इनका गांव अंजनौक अंजनवन है। सो हस्तकला, हाथ देख के जैसे ज्योतिषी हमें बताते हैं उसी तरीके से ये हाथ देखकर इनके जो है चीजें बताती हैं, ये उस चीज में पारंगत है। फिर आती हैं रंग देवी, ये बड़ी कोमल व सुंदर है। ये राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं और श्रृंगार करती हैं। इनका गांव रोंकली है। सुदेवी सखी, ये सबसे छोटी सखी है, बड़ी चतुर और प्रिय सखी है। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये ठाकुर जी को पानी पिलाने की सेवा करती हैं। ये सखी सुनहरा में रहती हैं। सो ये तो हुई ठाकुर जी की क्या सेवाएं होती हैं उसकी बात। यही सखियां श्री जी के लिए क्या सेवा करती हैं अब हम उसकी बात करते हैं। सो अब आती है कि यही सखियां किस तरह से उनकी वेशभूषा है और साथ ही में राधा रानी को ये क्या सेवा देती हैं। सो जो श्री जी की सेवा में और कान्हा जी की सेवा में कोई बहुत ज़्यादा अंतर जो है नहीं है, एक ही तरह की सेवा वो देती हैं, बट फिर भी जब हम दोनों की बात कर रहे हैं तो हम दोनों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहली आती है हमारी श्री ललिता देवी। इन्हें ललिता देवी भी कहा जाता है। ये राधा रानी की सबसे प्रिय सखी थी। इनके जन्मदिन को ललिता सप्तमी के रूप में जाना जाता है। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि वे मोर पंखी रंग की साड़ी धारण करती थी। ललिता जी को सुगंध की विशेष समझ और ज्ञान था। ये राधा रानी को तांबुल यानी कि पान का बीड़ा देने की सेवा करती थी। पान जिस तरीके से ललिता देवी जो है वो ललिता जी कान्हा जी को पान बीड़ा जो है उनकी सेवा करती थी, उसी तरीके से ये राधा रानी के लिए भी पान की सेवा करती थी। फिर आती है बात विशाखा जी की। राधा रानी की दूसरी सखी का नाम विशाखा था। विशाखा बहुत सुंदर और इनकी कांति सौदामिनी की तरह थी। राधा रानी को कपूर चंदन से निर्मित वस्तुएं प्रस्तुत करती थी। ये सुंदर वस्त्र बनाने में निपुण थी। सो सबसे पहले जो चंदन और कपूर से बनी हुई चीजें होती थी, ये राधा रानी को उस तरह के लेप हो गए या किसी तरह का इत्र हो गया, उस तरह की चीजें ये राधा रानी के लिए किया करती थी। और साथ ही में सुंदर वस्त्र बनाने की कला में ये निपुण थी। तो राधा रानी के वस्त्रों का तो काम हो गया भाई, उनकी सखी कर देती थी। फिर आ गई चित्रा जी। चित्रा जी राधा रानी की तीसरी प्रिय सखी थी। चित्रा के अंग की चमक केसर की भांति थी। चित्रा काचवरण की सुंदर साड़ी धारण करती थी। ये राधा रानी का श्रृंगार करती थी। चित्रा के बारे में कहा जाता है कि वे इशारों में राधा रानी की बातों को समझा लेती थी। सो देखिए भाई, इशारों में लड़कियां बातें करती हैं ये तो हमें पता था, लेकिन हमें लगता था इशारों में बातें करना सिर्फ हमें ही आता है, लेकिन नहीं, हमारे भगवान के टाइम से चला आ रहा है ये चीजें। सो ये राधा चित्रा जी जो थी, ये राधा रानी का कंप्लीट श्रृंगार जो है वो किया करती थी और साथ ही में इशारों में उनको सारी बातें समझा दिया करती थी और उनकी इशारों में बातें समझ लिया करती थी। इंदुलेखा जी राधा रानी की चौथी प्रिय सहेली थी। ये लाल रंग की साड़ी पहनती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सदैव प्रसन्न रहती थी और मुख पर एक मुस्कान बनाए रखती थी। ये नृत्य और गायन विद्या में निपुण थी। सो उसी तरीके से नृत्य और गाने की कला में ये पारंगत थी। जिस तरीके से हमारे ठाकुर जी का मन लगा के रखती थी कि मन उनका प्रसन्न रहे, उनका बिल्कुल चित्त शांत रहे। थोड़ा सा एक होता है ना, हमने वो भगवान वाले जो सीरियल आते हैं या पिक्चर आती है उनमें हमने देखा है ना कि भगवान जी को भी थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड के लिए एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। सो उस तरीके से एंटरटेनमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, बट हाँ, इस तरीके से हमारे भगवानों की सेवा ये किया करती थी। जो कला उनकी थी उससे वो उन्हें प्रसन्न रखती थी। और चंपक लता जी की सुंदरता चंपा के पुष्प के समान थी, इसलिए इन्हें चंपक लता कहा जाता है। चंपक लता नीले रंग की साड़ी पहनती थी। ये भी राधा जी का श्रृंगार किया करती थी। अब हमारी राधा रानी हैं
तो उनका श्रृंगार भी तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का होता होगा। सो एक आदमी के बस की बात तो ये है नहीं कि हमारी प्यारी जी को, हमारी श्री जी को, मथुरा की रानी को सजाया जाए। तो इसलिए दो जन, एक तो ये चंपकलता जी और एक हमारी चित्रा जी, ये दोनों जो हैं राधा रानी का श्रृंगार किया करती थी। फिर आती है रंग देवी। रंग देवी जवा कुसुम रंग की, अब ये जवा कुसुम रंग जो है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ही ठेठ वर्ड्स हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहे, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, क्योंकि आज आपके साथ ही इनके बारे में मैं भी जान रही हूँ। तो ये जवा कुसुम रंग की साड़ी पहनती थी, ये राधा जी के चरणों में जावक यानी कि महावर या अलता लगाने का कार्य करती थी, ये सभी व्रतों के विधि विधान का ज्ञान रखती थी। सो पहले के ज़माने में, आज तो लोग ऐसे हो गए कि जो जो मेन मेन है बस वो व्रत कर लिए हमने, वो पूजा कर ली, हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में लोग कोई भी तीज त्यौहार हो, कोई भी बड़ा छोटा दिन हो, उनकी व्रत पूजा का पालन बहुत अच्छे तरीके से करते थे। सो हमारी रंग देवी जी जो हैं, इनको हर व्रत हर पूजा के बारे में प्रॉपर ज्ञान था, जिससे ये राधा रानी को बिल्कुल अपडेटेड रखती थी कि ये पूजा है, ये आना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। और साथ ही में उनके पैरों का श्रृंगार जो है हमारी रंग देवी जी करती थी, महावर लगा के या आलता लगा के, या जैसे यूपी बिहार साइड में बोला जाता है पैरों को रंगना, उस तरीके से करते हैं। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जैसे भगवानों के पैरों में आपने देखा होगा हमेशा एक रेड कलर की रंग लगा हुआ होता है, उसे महावर कहते हैं, आलता कहते हैं, उससे पैरों को सजाया जाता है। सो वो पैरों को सजाने का काम करती थी। फिर तुंगा देवी, तुंगा देवी पीले रंग की साड़ी पहनती थी और इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, ये अपनी बुद्धिमता के लिए विख्यात थी, इन्हें ललित कलाओं की विशेष समझ थी, ये संगीत में भी निपुण थी। तो देखिए एक से बढ़ के एक हैं, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर माही के पापा होते तो वो मुझे पूरा समझा देते, फिर मैं आपको पूरा समझा देती। फिर बाद में आती हैं सुदेवी जी, और जिन जिन को ये पूरा हिंदी समझ में आ रहा है ना, वो प्लीज़ मुझे भी समझाना, क्योंकि मैं हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझ पाती हूँ और ना ही मेरा ये है कि बोल पाऊँ या समझ पाऊँ, तो जिन्हें पूरा समझ में आ रहा है वो मुझे भी समझाना। सुदेवी जी, सुदेवी अति सुंदर थी, ये मूंगे रंग की साड़ी पहनती थी, सॉर्ट ऑफ ऑरेंज जो मूंगा लोग धारण करते हैं वो, और राधा रानी को जल पिलाने का कार्य करती थी, इन्हें जल को निर्मल और शुद्ध करने का ज्ञान था। सो देखिए पहले के ज़माने में ना हमारी तरह एक्वागार्ड और फिल्टर्स नहीं होते थे, सो हमारी जो लास्ट उनकी सखी हैं सुदेवी जी, सो उनके बारे में ये है कि भाई पहले तो ये नहीं होता था, एक्वागार्ड और वाटर फिल्टर्स वगैरह नहीं होते थे, प्योरीफायर्स नहीं होते थे, तो जल को शुद्ध कैसे करना है, वो पीने के योग्य बन सके उसको कैसे करना है, वो चीज़ों उन कलाओं में वो एकदम निपुण थी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये होता था कि कुएं से या नदी तालाब जो होते थे उनसे जल भर के लाते थे पीने के लिए भी, तो उसमें तो जल भर के लाना और उसी जल को पीने योग्य बनाना राधा रानी के लिए या फिर हमारे ठाकुर जी के लिए, वो कला में वो निपुण थी, तो ठाकुर जी के लिए और हमारी राधा प्यारी जी के लिए जल सेवा वो किया करती थी। सो इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि अष्ट सखियों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करके मैं आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि चीज़ ये है कि मुझे भी पता नहीं है पूरी तरह, तो मैं भी उतना तो नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए मैं आपके साथ डेली वाली जो जानकारी होती है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ, जो ऐसी चीज़ें होती है जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी, कुछ किसी ने नहीं, मैं उनका नाम बता देती हूँ, वो हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं हरप्रीत जी, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ अष्ट सखियों के बारे में जो है ये बताइए आप हमें, तो आपके वजह से मैं भी ये चीज़ सीखी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे भी सीख के, सुन के, समझ के कि हाँ हमारी प्यारी जी की और हमारे ठाकुर जी की जो हैं सखियाँ जो हैं, हम अष्ट सखियाँ से बोलते हैं लेकिन आज उनके बारे में हमने पूरी तरह से जान भी लिया। और अगर किसी के पास इनके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी हो जो मैंने मिस कर दी हो, जो मुझे नहीं पता हो, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज़ नई चीज़ मुझे सीखने से बहुत अच्छा लगता है। सो आज के लिए बस इतना ही,
जन्माष्टमी की तैयारियों का वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो, हमारी डेकोरेशन हम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या करते हैं डेकोरेशन में, वो सब अगर आपको देखना हो जन्माष्टमी का, इस साल का जो डेकोरेशन है वो, क्योंकि हर साल डेकोरेशन बदलता रहता है। पिछली बार हमने कुछ नहीं तो 7 फीट विड्थ में और 5 फीट लॉन्ग जो है हमने फूल बंगला बनाया था। इस बार देखते हैं कि कैसा श्रृंग मतलब कैसा क्या बनवाते हैं। मैं तो सिर्फ सामान इकट्ठा करके ले के आती हूँ और फिर हम जो है जैसे जैसे बनता जाता है चीज़ें वैसे हम बनाते हैं। सो पिछले साल तो ये था कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ फूल बंगला जो हमने बनाया था उसकी वीडियोज़ में नहीं आपके साथ शेयर कर पाई, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको उसकी फ़ोटो ज़रूर मिल जाएगी, राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार ज़रूर मिल जाएगा देखने को उस पर। सो इस साल की डेकोरेशन अगर आपको देखनी हो 2024 जन्माष्टमी की, तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हमारी अष्ट सखियों के बारे में, हमारी प्यारी जी के अष्ट सखियों के बारे में अगर मेरे से कोई भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ आज ही सीखी हूँ इन सब चीज़ों को। सो आज के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो तब तक के लिए राधे राधे।